जब एक रिक्शे वाले ने साक्षात माँ दुर्गा को देखा। दोस्तों, विजयवाड़ा में वेंकना नाम का एक रिक्शा वाला माता का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन रात के समय एक औरत ने उसका रिक्शा रुकवाया और कहा कि भैया, क्या आप मुझे कुछ दूर तक छोड़ दोगे। तब वेंकना ने उसे अपने रिक्शे में बैठा लिया। उस औरत के माथे पर बड़ी सी बिंदी, बालों में गजरा और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। रिक्शे में उस औरत ने वेंकना से पूछा कि क्या तुमको इतनी रात में डर नहीं लगता, यह इलाका भी बहुत डरावना है। तब वेंकना ने बहुत प्यार से कहा कि माँ दुर्गा मेरे साथ है, मैं सुख दुख में हमेशा उनका स्मरण कर लेता हूँ और सब ठीक हो जाता है। इतना कहते ही उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वही औरत उसे सामने से आती हुई दिखी और उसने कहा कि अम्मा, आप मुझे किराया देना भूल गई हैं। तब उस औरत ने धीरे से कहा कि पीछे मुड़कर अपनी सीट पर देखो। जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कुछ पैसे और सोने के कंगन रखे हुए थे और वो औरत माँ दुर्गा थी। जय माता।